ज्ञान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ डिजिटल सिग्नेचर बनाना। आप अपना डिजिटल सिग्नेचर खुद से बना सकते हैं और उसके लिए जो है आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा www.extratouch.com। और इसमें क्या होता है कि जो DSC का अप्रूवल है वो बड़े फास्ट तरीके से हो जाता है। आपको अपना जो आधार है उसके थ्रू आप करा सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन मोड आधार के थ्रू जाना है उसके थ्रू भी करा सकते हैं। ऑफलाइन मोड आधार में होता है आपको ऑनलाइन आधार डाउनलोड करना होता है, उसकी एक फाइल होती है वो आपको डाउनलोड करनी होती है, या फिर डायरेक्ट आप XT आधार के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप पैन के थ्रू भी प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है और टेंडर भरने के लिए या फिर इनकम टैक्स GST MCA की वेबसाइट पर यूज करने के लिए। तो मल्टीपर्पज DSC है और इसका आप यूज आराम से कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में जाकर आप इस वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका DSC आप किसी साइट पर यूज नहीं कर पा रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर पूरी की पूरी टेक्निकल सपोर्ट यहीं से मिलती है। हालांकि DSC प्रोवाइडर्स अलग अलग वेबसाइट के थ्रू आप अपने DSC को बना सकते हैं, पर आज मैं आपको यहां से बता रहा हूं इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका इजीली बन जाएगा और आपको फ्यूचर में भी सपोर्ट मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर मोबाइल नंबर जो भी आपके आधार में लिंक है उसको डालकर ईमेल आईडी के साथ सबमिट करके प्रोसीड करना होता है। ठीक है, यहाँ पर स्टेप लिए गए हैं, पहले KYC एनरोल होगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर DSC। एप्लीकेशन फॉर DSC में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर OTP आएंगे, प्रोसेस में बताऊंगा, फिर उसके बाद पेमेंट करनी है, वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद डाउनलोड DSC का आपको ऑप्शन आ जाएगा ये जो है अप्रूवल के बाद। ठीक है, तो आपको वीडियो वेरिफिकेशन भी इसमें करना होता है, वो भी प्रोसेस में यहाँ पर बताऊंगा। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा का पूरा प्रोसेस, आप यहाँ से जब प्रोसीड करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। बट लेकिन ये बिल्कुल आसान है, सिंपल सा प्रोसेस है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आधार नंबर और ईमेल आईडी डालकर यहाँ पर प्रोसीड करके सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको डिटेल्स पर वेरीफाई एंड कंफर्म पर क्लिक करना है। आपकी जो KYC है वो डिटेल्स वेरीफाई की जाएगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं, बट ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो है वो आपको एक्टिव वाले ही यहाँ पर रखना है ताकि OTP जो है वेरीफाई हो जाए। OTP वेरीफाई होने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, फिर उसके बाद आपके सामने एक एप्लीकेशन आईडी आएगी और यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर सेंड वीडियो लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर लिंक चला जाएगा, उस वीडियो को आपको वेरीफाई कराना है। वीडियो में जो है आपको अपनी डिटेल्स कंफर्म करनी है, उसमें वहां पर एक कोड आएगा वो भी आपको बोलना है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि जी आपका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, आपकी जो डिजिटल सिग्नेचर आईडी है वो जनरेट हो गई है। उसके बाद आपको इसी साइट पर जाकर आपको जो भी आपकी डिटेल्स है वेरीफाई जो आपकी ऑलरेडी हो गई है, अब जो आपका एड्रेस है जो डिजिटल सिग्नेचर में आपने एड्रेस अपलोड किया है वो आधार एड्रेस हो, या फिर अगर आपने ऑफलाइन आधार वाले तरीके से किया है, केवल पैन कार्ड वाले तरीके से प्रोसीड किया है, तो उस केस में जो है आपको मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा अपना एड्रेस। जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है वो आपके एड्रेस पर ही आपको डिलीवर किया जाएगा। यहाँ पर पेमेंट आपको पहले करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर आप प्रोसीड करेंगे इस वेरिफिकेशन से पहले आपको पेमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी। कंप्लीट पेमेंट होने के बाद आपके पास पेमेंट की रिसीट भी आपके पास आ जाएगी और जो भी आपका एड्रेस आपने यहाँ पर दिया है एप्लीकेशन के टाइम पर उसी पर आपका जो DSC है वो टोकन आपको डिलीवर होगा। टोकन एक तरह से पेन ड्राइव टाइप जो है ड्राइव होती है और जब भी आपको यूज करना होता है तो आपको उसको अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में वहां पर इंसर्ट करके यूज करना होता है। ये था कंप्लीट प्रोसेस, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा प्रोसेस है। आप खुद से अपनी डिटेल को वेरीफाई कराइए, इससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट जो है जो भी DSC प्रोवाइडर्स हैं उनसे आप डायरेक्ट जो भी ऑफिशियल RAs हैं जो इसकी अथॉरिटीज है उनसे आप अपने DSC को बना सकते हैं। इसी टाइप के काफी सारे वीडियोज मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, इनकम टैक्स GST फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, DSC हर साइट पर कैसे अटैच करना है, ट्रेडमार्क के लिए या फिर GST के लिए, MCA पर कैसे रजिस्टर करना है, सबके लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है। अब वीडियो देखेंगे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।